कक्षा 7 विषय पर्यावरण, इसमें हम कर रहे थे अध्याय 11 परिमाप और क्षेत्रफल, और इसकी प्रश्नावली हमने 11.1 के पहला और दूसरा सवाल किया था। आज हम कर रहे हैं सवाल नंबर 3। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सवाल में आपको पहले क्या ज्ञात करना है? चौड़ाई। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। क्या दिया हुआ है आपको? क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर, लंबाई 22 मीटर और इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखो, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के लिए हमको क्या चाहिए? लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। लेकिन चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, लंबाई आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हमको काम क्या करना है सवाल में? हमको क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम हल करेंगे इस पे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर, फिर आयताकार भूखंड की लंबाई, ये हमें सवाल में दे रखी है 22 मीटर। क्या ज्ञात करना है आपको? चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो देखिए, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर बट्टा लंबाई आपको दे रखी है 22 मीटर। तो देखिए, मीटर स्क्वायर के अंदर मीटर का भाग लगाएंगे तो 1 मीटर कट जाएगा, क्या रहेगा? मीटर। और 22 का भाग 44 से, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कितनी बार गया? 2 बार, और पीछे 0 उतर जाएगा। तो क्या रह गया? 20 मीटर। क्या रह गया? 20 मीटर। ये 20 मीटर क्या निकली? हमारी चौड़ाई, यानी आयताकार भूखंड की चौड़ाई। सवाल का पहला भाग हल हुआ। अब उसी ने पूछा है कि इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड का परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आयताकार भूखंड का परिमाप, आयताकार भूखंड का परिमाप, और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 वापस अपनी जगह पर उतर गया सूत्र का। लंबाई, लंबाई आपको सवाल में दे रखी है 22 मीटर, तो हमने लिख दिया 22 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की थी 20 मीटर, तो चौड़ाई की जगह पर आ गया 20। फिर 2 × 22 और 20 को जोड़ना है, तो 22 प्लस 20, 2 के अंदर 0 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा 4, कितना आया? 42 मीटर। अब इससे आपको क्या करनी है? 2 की गुणा। तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 × 4, 2 को 4 से किया, 4 × 8, कितना आया? 84 मीटर। कितना आया? 84 मीटर। तो ये क्या निकला आपका? भूखंड का परिमाप। क्या ज्ञात हुआ? भूखंड का परिमाप। वापस देखिए, सवाल में लिखा हुआ है आपको आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर हो। फिर पीछे इसने दिया कि इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो 440 मीटर स्क्वायर में आपको 22 मीटर का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो मीटर स्क्वायर में मीटर का भाग लगाएंगे तो क्या रह जाएगा, मीटर। फिर 22 का भाग, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, कितनी बार, दो बार, और जीरो अपने स्थान पे आ गया, कितना हुआ 20। ये क्या निकला, चौड़ाई निकल गई आयताकार भूखंड की। अब लास्ट में परिमाप, तो परिमाप है आयताकार भूखंड का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई की 22 प्लस चौड़ाई हो गई 20, दोनों को जोड़ा कितना आया 42, 42 को 2 से गुणा की, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आया 84 मीटर आंसर। तो इस सवाल को अपनी कॉपी में उतारिए और इसका समय हल करने का अभ्यास कीजिए।